इलेक्शन करीब आते ही सियासी जमातों में गुर्बतें बढ़ने लगीं। पीटीआई ने कराची में कदम जमाने के लिए कराची से नई उभरने वाली जमात बाग़ सरज़मीन पार्टी से रابطे बढ़ाना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई सिंध की मरकजी क़यादत पीएसपी मरकज आमद हुई। पीएसपी के मरकजी रहनुमाओं ने इमरान इस्माइल, अलीम आदिल शेख और पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं को पाकिस्तान सेक्रेटरिएट में खुश आमदीद किया। पीएसपी के मरकजी रहनुमा रजा हारून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कराची में मनफी सियासत को मिटाकर मजबूत सियासत का आगाज कर रहे हैं। हमारी बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है हमारे चेयरमैन की कि इलेक्शन में पीएसपी जो है वो इंडिविजुअल हैसियत में लड़ेगी, अपने निशान के तहत लड़ेगी, अपने मंशूर के तहत लड़ेगी। पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में यकीनन मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद भी हो सकता है, इलाज भी हो सकता है, कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती है, अपोजिशन में इलाज होगा, लेकिन प्री इलेक्शन अलायंस जो हमारा स्टेटेड पॉलिसी वही है कि इत्तेहाद नहीं है। कराची के अमन के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करनी होगी। इमरान इस्माइल का कहना था कि कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया है। पीएसपी के साथ मिलकर इन मसाइल के हल ढूंढने में और इसको आगे लेकर जाने में मददगार साबित होगी। कराची के नाम पे फंड्स खाए जाते हैं, कराची के नाम पे अय्याशी की जाती है, कराची के नाम पे, कराची की तरक्की के नाम पे अरबों रुपए की जायदादें बनाई जाती हैं और कराची को पीछे की तरफ धकेला गया। कराची के नौजवान अब तब्दीली चाहते हैं। कैमरामैन नजीर शेख के साथ फैजान खान, एनए न्यूज़, कटरा।